ल कथा कह कहि तो पर्याप्त परिमाण में भारत बर्षे ल रही भाबार किसी ना कि आप कौन दोषी दंड पाऊनी कि पाउटा डिपेड कर प्रत्येक केस निर्भर कर उभय वकिल एवं कोर्ट सिस्टम उपरे ये सबूत सिस्टम इवन इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन जब ठीक टाइम रे ठीक भाव में हो दोषी दंड पाइब निश्चित पाइब से भाविवार किसी ना आदि न पाऊँ से कौन कौ कौ जगार गोटे त्रुटि रही जाए जहाँफल कि दोषी दंड पाने कि घटना जदि सत्य आ ठीक भाव में इन्वेस्टिगेशन होते निश्चित भाव में गोटे दोषी दंड पाइब मु गोटे जड़े बुढ़ी लोकर मकदमा करी वयस्क लोक घर को आज जड़े माड़ी बसते छाड़ नथले किंतु परवर्ती समय रे से अनेक वर्ष अपेक्षा कला परे मध्यो से घटनार कौन परिसमाप्ति घटला ना परवर्ती समय रे से बाध्य होई वितृष्ण भाव प्रकाश कर शेषे से मकदमाटी छाड़देले कंप्रोमाइज कले अदर साइड रे जदिओ तांकर समस्त मानने मेरीट थिला से केस निश्चित से जीति पारिथाने किंतु ए समय सापेक्ष से तांकर न्याय पाइले आईन केबे दोषी ही नथाय आपण भूल कहते आईन केबे दोषी ही नथाय आईन क्या भी दोषी कराए जदि कौन घटना घटी सी ही से लोकटा को दोषी कराए तार कार्य पद्धति निजी को दोषी सब्यस्त कराए आईन केवे क्या दोषी आईन रही घटना कले यही क्राइम कले कि खराब कम कले आपन को यही दोष भाया दोष कले भाव दंड मिल यही आईन में लिखाई कौन से व्यक्ति विशेष ना आईन समस्त सामान आईन को ये अंध क्या आईन समस्त सामान से राजा हो किंबा रास्तार गोटे भिकारी हो समस्त आईन सामान से आईन को अंध कह जाए आम गोटे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट अच्छी 1987 से एक्ट अनुसार आमर प्रत्येक गरीब लोक हो कौन से नारी हो कि कौन से शारीरिक अक्षम लोक हो मागणारे आईन सेवा दिजिव बर्तमान आईनटा को केवल आईन भितर सीमित रखा है ना सेवा रूप में ग्रहण कर सो आईन सेवा मागणा दिजिव आईनजीवी दिजिव आडवोकेट दिजिव रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से माने कौन असुविधा न हो एडवाइस दिजिव प्रत्येक क्षेत्र में सब सुविधा सुजोग भी हो जाए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सब जगार गोटे आईन सहायता केन्द्र अच्छी तो कौन व्यक्ति जदि आईन सहायता चाहूँगी तेल से सहायता केन्द्र में सी जा देखा कर सहायता केन्द्र में जी अधिकारी थे सहित देखाक निजर असुविधा कथा कहले सी निश्चित भाव में समस्त प्रकार सहायता कहीं मोर जेजेबापा जड़े सुनामधन्य आडभकेट थे सी मोर पढ़ला बेलू मत इन्स्पायर करते यू बिकम एन आडभकेट मुझे भल वकिल बाहर एवं लोक मान आईन परामर्श दे आईन सहायता देखिए बहुत हो पारि था भूल हो पारि था कि मुझे भूलटा को सदा बेले सुधार चेष्टा कर मोर जहाँ मन पड़ी मुत गए मकदमा परिचालन करें जोटा कि मोर मु भाव था सेटार मकदमा हार मैंने छाड़ी दी था कहि जहाँ मानने भगवान को बाहर थी हम लोकटा जदि न्याय पाइबार थोड़ा अल्टीमेटली आई फाउंड दैट दैट आई ओन द केस एंड दि डिक्री वाज पास्ट इन फेवर ऑफ दि माय पार्टी दैट इज से दिनटा मत ये खुशी देला बोली जा भगवान विश्वास रख मु प्रकृत से लोकटा न्याय पाइला क्रिमिनाल केस करी प्राय मु क्रिमिनाल केस प्राय कैनि मोर इनिशियल स्टेज क्रिमिनाल केस 30-40 करी तापर आई स्विच अप सिविल प्रैक्टिस एंड टिल नाउ आई एम कंटिन्यूइंग एज सिविल प्रैक्टिस नाउ आई एम प्रैक्टिस एडिशनल गवर्नमेंट बिल्डर सब क्षेत्र में आज आईन जो कि ये कर आईन जी आश्रय नब जदिओ इट इज लेट टू गेट जस्टिस बट दि आईन रात लंबा तो आज जो ऑर्गेनाइजेशन तरफ रु लॉयर्स डे पालन है से आम मैंने बहुत आम बार समस्त गर्भकर्ता को साजे आम पांच जन डॉक्टर को पद सम्मान प्रदान करूँ दुई जन को अदर अवार्ड देखूँ
ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁସମ୍ମାନ ଭାବରେ 22 ଜଣ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ ମଧୁସମ୍ମାନ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଟର୍ଣ୍ଣେଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼ାଇଲୁ ଏବଂ ଓମେନ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସେବା ଦେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଲିଗାଲ୍ ଫୋରମ୍ ବି ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ କେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଲେଡ଼ି ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଖୁସି ଦେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ୍ କେସ୍। ଜଣେ ମୁସଲିମ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ସେ ହିନ୍ଦୁ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ତାର ପୌଢ଼ା ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଏ 25 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଝିଅକୁ ଧରି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲିଗାଲେଡ୍ ଅଫିସରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତା ପାଇଁ କରି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲି ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ମୋ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ପିତୃଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲା, ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଦେଲା, ଘର ଦେଲା, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଲିମେଣ୍ଟ ଦେଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାଟିର କାମ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମୋର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଯୁବପିଢ଼ି ଖାଲି ପୁଅ ନୁହେଁ ଖାଲି ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୋବେଲ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଓକିଲାତି ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ଓକିଲାତି ଏଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦିନେ ଜଣକୁ କାହିଁ ଯେ କାହିଁ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ, କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଓକିଲାତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସାହସ ଦରକାର ଆଉ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର।